दिमाग वाला फिर से झगड़ा हुआ है। झगड़ा करके क्या मिल जाएगा? मैं कुछ बोला, गाली दिया। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। गाइस अभी 9:30 बजते है, कल वाला ब्लॉग डाल दिया, 9 बजे करीब आया है। जब आए तो गए, हमारा घर पूरा खाली खाली हो गया। और कल रात भर नमाज पढ़ रहे थे, काफी लेट हो गया। हमारा घर में सब रोजे रखे हैं, रीमा जो नए रख रहे थे ना वो भी रखे हैं, और अभी भी फैजान भी आया है। फैजान कहाँ है? फैजान आते ही कहाँ भग गए? क्या कर रहे हो? आके नल चल कर पाँव धो के आ गए। चल धो, वहाँ धोले, वहाँ धोले, वहाँ धोले, क्या धोते ना धोले? यहाँ 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 खुल नहीं सकते, ताकत नहीं है। यही ना यही खोल, बाबाली ओपा 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 ओपा, बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर, बंद बंद, इधर 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 इधर, उल्टा उल्टा, ऐसी ऐसी भूख लगता है। चल ऊपर चल, अम्मी बना के रखी ना खाएगी, हैं? अम्मी तेरा दूध बना के रखी ना खाएगी, चल चल। जो भैया इसे, भैया फैजान भैया इसे, भाई फिर लाइट चालू कर जाए ऊपर, बचपन से उसका आदत है, आएगा लाइट चालू करेगा ऊपर जाएगा। अभी वो इसे कर रहा है, बड़ा हो गया थोड़ा से, है ना? कहो मामा, गिरा गिरा गिरा। चलो महक को भूख लग रहा है, उसको खाना खिलाते हैं। अम्मी तो वॉशिंग मशीन आवाज दे रहे हैं, बोलते कपड़ा उठा ले, कपड़ा उठा ले। वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालते हैं, धो के जब खत्म होता है ना अलार्म बजता है, ट्यूनू ट्यूनू, कपड़ा हो गया लेके जाओ। और आज हमारा 27 रोजा हो चुका है, और 27, 28, 29 और 3 रोजा बचा है, उसके बाद में ईद आ जाएगा। 3 रोजा हो भी सकता है ना, 2 रोजा भी हो सकता है, अगर 29 से महीना रहता है ना कभी कभी। और यहाँ पे कलाम सो है रोज, जिया भाई कलाम सोता रहते थे, आज ये अकेला पड़ा है। तो रात में सो गए थे जल्दी, पहले के नींद है पूरा कर रहे। बंदू मत, बंदू मत मामा, बंदू मत। यहाँ पे फैजान आके झूल रहे हैं अम्मी का झूलंटा में, अच्छा लगता ना, इसको मजा आ रहा है। अम्मी यहाँ साग लगाए थे, तोड़ के लेके जा रहे हैं, साग का पौधे सब सूख गया। सूख क्यों जा रहे हैं अम्मी? ये पानी तो दिए थे, ये पालक है ना, वो पालक है, टमाटर के भी एक हुए पौधे। फैजान जैसे ट्रैक्टर गए ना रोड में, फैजान दौड़ के आए देखने के लिए, ट्रैक्टर देखेगा। और कैसे महक सो गई थी, अभी उठ चुकी है, देखो महक अभी तो फ्रेश लग रही हो, और नींद के लिए रो रही थी, खा के सो गई थी मस्त, है ना, रोजा रखती नहीं मेरे वाला। और रीमा भी उठ चुके हैं, उठ के हैं तो कपड़ा सब तैयार कर रहे हैं, बच्चे का कपड़ा सब धोए थे ना कल, और अभी तैयार करके रख रहे हैं। आज तो रोजा है, कैसा लग रहा है रोजा रख कर, बताओ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तीन और, 3 रोजा है, रख दोगे? रखोगे? हाँ ठीक है, ऑपरेशन वाला इंसान है, बोलते रोजा रखोगे। अम्मी बोले आज एक रोजा रख ले, कुछ नहीं होएगा, एक से पूरा महीने का रोजा रखने नहीं दिया अम्मी। रीमा का ऑपरेशन हुआ है ना अभी अभी, 2-3 महीना हुआ। और मैं भी जाऊंगा मार्केट, ATM से पैसा उठाना है, और कलाम का जो कपड़ा सिलान दिया था ना वो भी लेकर आना है। अब्बू का लुंगी मैं भूल गया है, कल लेकर नहीं आया था, वो भी लेकर आऊंगा। चलो सब काम खत्म करते हैं, आज 27वां रोजा है, अभी से ईद के लिए तैयारी करना पड़ेगा सब कुछ, सामान पत्तर। गाइस मार्केट जा नहीं पाया क्योंकि बहुत तेज धूप किया था, तो इसलिए गए नहीं। अभी नहा धोकर, अभी धूप पूरा कम हो गया है, अभी जा रहा हूँ नहा धो के नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद में फिर जाऊंगा मार्केट। चलो तो गाइस अभी मैं नहा धो के नमाज पढ़ लिया हूँ, अभी चलो मार्केट जाके आते हैं सब सामान पत्तर लेके। अब्बू का लुंगी लेके नहीं आया, लुंगी भी लेकर आऊंगा। तो गाइस अभी मैं मार्केट में आके पहुंच गया हूँ, और यहाँ से ले लिया हूँ अंगूर, तरबूज और खीरा। लेम्बू भी लेना है, लेम्बू भूल गया, लेम्बू लेते हैं। गाइस अभी मैं आया था यहाँ से, अब्बू के लिए लुंगी ले लिया कपड़े दुकान से, ये रहा लुंगी वाइट कलर का। चलो फाइनल गाइस अभी आके घर पे पहुंच चुका हूँ सब सामान लेकर, लुंगी तरबूज और सेमी वगैरह कुछ बाकी था, फैजान के घर में देंगे तो कुछ बाकी था, सब लेकर आ गया हूँ। चलो अब्बू के लिए लुंगी लेकर आया हूँ। तो गाइस अभी यहाँ पर देखो महक सोई है, उसको पेंटिंग मेंटिंग कर देने है हमारे बच्चे को, मना को पूरा कपड़ा वपड़ा पहन के आइए, अभी खा पी के सोइए, झुझू होगी झुझू, है ना। और अम्मी यहाँ पर सब्जी बना रहे हैं और पपैया काट रहे हैं, हमारा बाड़ी में हुआ था। और रीमा यहाँ पर बना रहे हैं सलाद, तरबूज सलाद, अभी लेकर आया एक तरबूज, और 2-3 दिन बाकी है ना तो हो जाएगा खत्म, रमजान महीना खत्म, तरबूज खत्म, अभी सलाद के लिए सब कटाकुटी चल रहा है। और हमारा यहाँ आया कौन, हैप्पी बर्थडे तोलू, कड़ी पत्ता तोड़ दो बोल रहा है, चलो थोड़ा कड़ी पत्ता तोड़ के उसको दे देते हैं। हैप्पी बर्थडे तोलू आया कड़ी पत्ता लेने के लिए, क्या है तेरा वीडियो बनाना, कौन मना कर रहा है बता, इधर आ, सुनते नहीं है, कौन मना किया, कड़ी पत्ता ले आना, नहीं हाँ ले, यहाँ देखिए काट दूँ यहाँ, हमारा भांजा लगेगा रिश्ता में, पड़ोसी में उनका घर है, इधर हैप्पी बर्थडे तोलू, ये कलाम का ब्लॉग में बहुत आया है ना, हैप्पी बर्थडे तोलू क्या बोलता था उस दिन, टाइगर का कहानी है, टाइगर के 5 बहन पैदा हुए थे, 4 बहन, टाइगर के 5 थे, उसके बाद में उसकी मम्मी गुजर गई, उसके बाद में उसकी बहन सब गुजर गए,
को जहर दे के मार दिया, लास्ट को टाइगर बचाए, उस दिन से जिंदा है। सोचा टाइगर भी मर जाएगा लेकिन इसको कोई मारा ही नहीं, कौन जहर दे के मार दिया पता नहीं, ये मारा होगा, तुम्हारा गया और कौन मारा, हमारे यहाँ आगा ना हम वीडियो बनाएंगे, कह रहे हमारे हर घर वीडियो बनाते ना क्या करें। और यहाँ पर रीमा पकौड़ा छान रहे, प्याजी प्याजी भाई पकौड़ी बनाएंगे पकौड़ी। और यहाँ पे सब रोज़ अब तक रेडी है, तरबूज अंगूर पपीता, कलाम भी उठ चुका है, चल कलाम रोज़ा खोलेंगे, टाइम हो गई। सुबह रोज़ा रख के सो सहरी करके सोया था, अब तेरे घंटे में उठा, हाँ उठा था बीच में उठा था थोड़े से, ओ क्या दो मिनट कुछ काम नहीं कुछ नहीं फिर सो गए। चल चल रोजा खोलेंगे, टाइम हो गई। अम्मी आओ, आज घर में सब लोग रोजा रखे हैं, महक को छोड़ के, हाँ महक नहीं रखी है। रीमा आओ, अब्बू कहाँ गए? अच्छा अब्बू मस्जिद गए हैं। सबका अफ्तारी हो चुका है और बाहर बहुत जोर बारिश आ रहा है, बिजली कड़क रहा है और रीमा यहाँ अभी तक खाना बना रहे हैं। रीमा का फिर से झगड़ा हुआ है, वो कुछ भी नहीं खाए, तरबूज दो पीस खाए, दो पीस केला खाए और दाल वगैरह कुछ भी नहीं खाए, तो गुस्सा है। तो इनको मैं कब से बोल रहा खा लो खा लो खा लो, कुछ बोलते मैं खाऊंगी, झगड़ा करके क्या मिले बता। मैं कुछ बोला गाली दिया वही बात को पकड़ने से क्या होगा बोलो। अब्बू अभी जाना हुआ था तराई पढ़ने के लिए लेकिन बारिश स्टार्ट हो गया है, अब जाओगे भीग जाओगे? हाँ अभी स्टार्ट हुआ, जोर से होगा बारिश स्टार्ट हो गया, अब्बू जा रहे तराई पढ़ने, सुनते नहीं इधर। अच्छा बस सुन, बढ़िया बस सुन, मान तो कैसे। फिर रात का 12 बज रहा है, हम सबका खाना पीना हो चुका है, मैं मैच देख रहा था इसलिए काफी लेट हो गया, ब्लॉग एंड नहीं किए थे, रीमा तो सो गए थे, उनको उठा के ब्लॉग एंड करा रहा हूँ। और आज तराई पढ़ना हम लोग दोनों भाई नहीं गए क्योंकि बारिश हो रहा था, बिजली चमक रहा था बहुत ज्यादा, तो इसलिए दोनों भाई नहीं गए थे, अब्बू तो गए थे। और हमारे महक भी सो चुकी है, रीमा को नींद आ रहा है, रीमा का मेरा झगड़ा हुआ था ना वो मिट गया, अभी कुछ एक बात बोला मस्ती वाला मजाक वाला बात बोल दिया, वो हंस दिए तो झगड़ा मिट गया। झगड़ा है और भी झगड़े हुए हाँ झगड़ा किस बात का है बताओ, मजाक मस्ती में झगड़ा लगे थे वो मिट चुका है, ऐसा कुछ बात नहीं है, ज्यादा झगड़ा कुछ नहीं है हम लोग के बीच में, हम लोग के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है। दिमाग हंस रहे हैं, वो थोड़ा बहुत हो जाता है, दुनिया में झगड़ा झाट नहीं होता है, रहता है मियां बीवी का, पति पत्नी का, तो हम लोग का भी हो जाता है कभी कभी, ऐसा लड़े ही नहीं, ऐसा झुटमुट का थोड़ा से क्रेजी वाला। गाइस अभी आज रीमा ब्लॉग एंड करेंगे, मुझे बोला था मैं तुम्हारा साथ दूंगी, ब्लॉग बनाऊंगी, अभी तक तो सुबह से बनाए नहीं, अभी तो बोलो कम से कम एक गाना सुना रहे हो क्या, ब्लॉग एंड करते नहीं कर सको नहीं खा सको ना लड़ाई कर सको ना, हाँ वो सब कर दोगे, ब्लॉग एंड कर सको गाइस। बाहर है ना मेंढक का बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, बारिश हो गया ना खेत में जितना मेंढक थे सब जितना हो गए, मतलब कटरक कहाँ कटरक बाहर नहीं है, मेंढक अंदर ही है बड़ा सर का, किधर मुझे बोल रहे मेंढक को किधर है। तो चलो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही था, आप ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो गाइस बाय बाय, देखो।